हाय। इस लेक्चर में मैं आपको सेमी ब्लैक एंड व्हाइट करके इसे इस इमेज को करके दिखाऊंगा, यानी कि स्किन ब्लैक एंड व्हाइट होगी और जो साड़ी है ये कलर्ड रहेगी। तो सिंपली ये इसमें बताने की कोई खास जरूरत है नहीं, आप लोग कर सकते हैं। मैंने इतने सारे टूल्स आपको बताए हैं, आप कर सकते हैं आसानी से। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एफ प्रेस किया है तो ये इमेज गायब हो जाती है, थोड़ा सा आ जाती है थोड़ी देर के बाद। एक्चुअली नई इमेज जब हम ओपन करते हैं तो ऑलरेडी वो सेव्ड होती है उसके नाम से, जैसे कि मैंने pixels.com से डाउनलोड की है इमेज और जेपीजी में है ये, और ये इमेज इसके नाम से ही सेव होती है। अगर इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हमने और गलती से कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया, तो ये इसी के नाम पर सेव हो जाएगी और ओवरराइट हो जाएगी, जो कि आपको ध्यान रखना है कि ये इमेज चेंज ना हो। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, और जो ओरिजिनल इमेज है उसे क्लोज कर दीजिए। वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, वैसे कॉपी ये लिखा हुआ आ गया है, कॉपी उसका जो ओरिजिनल नाम है, उसके बाद कॉपी लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि ये कॉपी है और इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और जो भी कर सकते हैं। मान लो कि बहुत आपने चेंज कर दिया और कंट्रोल एस आपने दबा दिया गलती से, तो ओरिजिनल फाइल के ऊपर ही सेव हो जाएगी। फिर आप ओरिजिनल फाइल कभी भी आपको मिल नहीं पाएगी, इसलिए आप उसकी डुप्लीकेट बना लीजिए फिर काम कीजिए। अभी मैं इसके ऊपर स्किन सिलेक्ट करता हूँ, स्किन ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए और साड़ी कलर्ड होनी चाहिए। तो मैं ये मैजिक वैंड टूल लेता हूँ और इससे स्किन सिलेक्ट करता हूँ। जितनी भी हो रही है उतनी स्किन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और ये प्लस वाला, ये सेकेंड वाला जो है ऐड टू सिलेक्शन, ये सिलेक्टेड होना जरूरी है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जैसे कि ये यहाँ पर हिस्सा ज़्यादा निकल गया है, अब मुझे इसे रिमूव करना है, तो मैं ये वाला टूल लूँगा और ये थर्ड नंबर का जो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इससे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन निकल रहा है। इसको इजी काम है, ये मैंने कर दिया है। इसमें स्किन सिलेक्ट हो गई है और लिप्स कलर रखना है, और जैसे कि ये वाला हिस्सा है ये प्लस कर देता हूँ मैं, और इन नोज पिन है ये भी कर देता हूँ, और यहाँ की जो स्किन है इसको भी मैं इससे कर देता हूँ। याद रहे कि ये सेकेंड वाला ऑप्शन खुला रहे, नहीं तो आप सिलेक्शन खो देंगे। अगर ये वाला सिलेक्ट, ये वाला ऑन है और आपने क्लिक किया तो पहला वाला चला जाएगा। मैं अंडू कर देता हूँ और ये सेकेंड वाला ऑन रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये स्किन हो रही है सिलेक्ट। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जाएगा भी चलेगा, और ये हो गई है यहाँ की स्किन, थोड़ी सी ये बाकी रह गई है। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है, और ये हैंड सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा भी होगा तो उसे वापस से सब्ट्रैक्ट कर लूँगा मैं। इस तरीके से ये हो गया है सिलेक्ट। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, वो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है लासो टूल से, यहाँ से मैं डिसलेक्ट कर देता हूँ। बस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है ताकि आपको सिलेक्शन आप कितना बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, उसके ऊपर आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप इसमें की प्रैक्टिस करते रहा कीजिए।
और जैसे कि मैं और इसको भी कर देता हूँ माइनस में, और थोड़ा प्लस लेना पड़ेगा मुझे यहाँ के लिए। इस तरीके से ये स्किन सिलेक्ट हो गई है और मैं अब इसको ब्लैक एंड व्हाइट करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा फेदर रख लेता हूँ यहाँ पर, तीन का या दो का रख लेता हूँ मैं। ओके करता हूँ और मूव टूल लेता हूँ, इमेज में जाता हूँ, एडजस्टमेंट, और इसमें है ब्लैक एंड व्हाइट। बहुत लंबा शॉर्टकट है, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल बी। इस तरीके से ये ब्लैक एंड व्हाइट तो हो गई है, और इसमें ऑप्शन भी हैं बहुत सारे। आपको रेड्स, अगर स्किन में रेड्स है तो आप रेड है ज़्यादा तो आप रेड्स वाले पे क्लिक कीजिए, तो रेड वाला पोर्शन ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। थोड़ा सा डार्क रखते हैं इतना, और येलो वाला पोर्शन है तो येलो अगर फेस पर है तो येलो भी थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। ऐसे ही ग्रीन, श्यान, ब्लूज और मेजेंटास है, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब कंट्रोल डी करता हूँ तो ये देखिए कि स्किन स्किन ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है और साड़ी कलर्ड में। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से, ताकि बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। ये बराबर सिलेक्ट हो गया है, और सिलेक्शन इसका मुझे अपोजिट करना पड़ेगा, यानी कि इन्वर्स करना पड़ेगा। राइट क्लिक किया, सिलेक्ट इन्वर्स कर दिया। अब ये बैकग्राउंड सिलेक्टेड है, अब मुझे बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट करना है। ब्लैक एंड व्हाइट का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट यू, वैसे आप इससे भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करता हूँ और इमेज में जाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट यू, यहाँ ये रहा शिफ्ट कंट्रोल यू, डिसेचुरेट हो जाता है उससे। और ब्लैक एंड व्हाइट वाला से आप करते हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कोई भी हिस्से को, ब्राइट या डार्क कर सकते हैं। बैकग्राउंड में जो भी कलर ज़्यादा होगा वो ब्राइट हो जाएगा, और ओके कर देता हूँ। कंट्रोल डी करता हूँ तो ये इमेज मिल जाती है। और अब मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फेदर देता हूँ मैं इसमें चार का। ओके कंट्रोल सी, और फाइल ओपन करके मैं बैकग्राउंड लेता हूँ जैसे कि ये, और कंट्रोल वी कर देता हूँ इसके ऊपर, कंट्रोल टी करता हूँ। और बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तो ये चेन यानी कि लॉक यहाँ पर होना चाहिए। 100% है, मुझे कितना पर करना है, 20% करना है। एंटर कर दिया मैंने ये, एंटर। अब मैं मूव टूल को लेता हूँ। अब मेरी इमेज कहाँ गई, इमेज कैसे पता चलेगी, ये इसको छोटा कर देता हूँ और कंट्रोल टी करता हूँ। इमेज ये रही, यानी कि कंट्रोल टी से सिलेक्शन ये आज ट्रांसफॉर्म आ जाता है, तो वो पता चल जाता है कि इमेज कहाँ पर है। आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार और रिपीट थोड़ी देर के लिए देख लीजिए इसको। मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ यहाँ, और इसको भी थोड़ा नीचे, इस तरीके से। अब मैं कलर चेंज करूँगा ह्यू एंड सेचुरेशन से, इस वाले का। इमेज में जाता हूँ, ह्यू सेचुरेशन, मुझे ह्यू चेंज करना है। ओके और इस इमेज का भी मैं कर देता हूँ ह्यू सेचुरेशन। इस तरीके से ये तीन अलग अलग कलर में आ गई है। ये दुल्हन वाले जो आप बना सकते हैं, मतलब कि फोटोज इस तरीके से बना सकते हैं, आपको एक आइडिया दिया है मैंने, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इन तीनों को एक साथ में सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल टी करके एक साथ बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से, और थोड़ा सा छोटा करके एक चीज़ और करता हूँ मैं। ये जो ओरिजिनल वाला फेस है इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ,
और इमेज में जा करके मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके फ्लिप हॉरिजॉन्टली करता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। और ये एलिप्टिकल टूल लेता हूँ मैं और इसको इतना इतना मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सिलेक्ट अंदर का है, समझ रहे होंगे आप, अंदर का सिलेक्शन है। अभी मुझे राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स करना है, तो इसके बाहर बाहर का सिलेक्शन हो गया है। लेयर हमारी ये यही सिलेक्टेड है, मैं बाकी का हिस्सा डिलीट करने वाला हूँ। जैसे कि पहले किया था, फेदर में 200 कर देता हूँ, ओके, और डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से ये डिलीट हो गया, कंट्रोल बी, और इसको मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। और इसको सबसे नीचे कर देता हूँ। इस तरीके से आप अच्छी डिजाइनदार जो शादी के आपके फोटो होंगे उन्हें आप अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पर तीन दुल्हन, यानी कि दुल्हन एक ही रहेगी, दुल्हन के तीन पोज रहेंगे। यहाँ पर कलर्ड में, अलग अलग कलर्ड में यहाँ पर दूल्हे का फोटो आ जाएगा। इस टाइप से आप मतलब डिजिटल इमेज बना सकते हैं और अपना अपने एक एल्बम तैयार कर सकते हैं, प्रिंट आउट इनका फोटोज का निकाल सकते हैं। मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है और ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ।